नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। तो आज मैं आपको एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें नहीं बताऊँगा, लेकिन कल की जो न्यूज़ है उस न्यूज़ की चीज़ बताऊँगा, क्योंकि ये ज़रूरत है आप सभी को ये जानने की कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐप को बैन किया है। जी हाँ, 59 चाइना लिंक्ड फोन ऐप्स जो है बैन की गई है, उसका लिस्ट एक बार देख लीजिए। अगर ये ऐप आपके फ़ोन में है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस ऐप को आप रिमूव कर दें, क्योंकि आज से उस ऐप को यूज करना इनलीगल होगा। हो सकता है प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड ना हो, लेकिन जो डाउनलोड है वो तो आपको डिलीट करने ही पड़ेंगे ना, जो ऑलरेडी डाउनलोड है। तो सबसे सबसे ऊपर टिकटॉक है, और सबसे बड़ा समझिए टिकटॉक ही है। टिकटॉक को किया है, शेयरइट को किया है, क्योंकि टिकटॉक और शेयरइट हम लोग बहुत यूज करते थे। हालांकि टिकटॉक एज ए यूट्यूबर हम तो किसी को सलाह देते नहीं, क्योंकि टिकटॉक हम देखते हैं, हमें उसमें कुछ ऐसा देखने लायक चीज़ तो मिलती नहीं है। शेयरइट हम लोग यूज करते थे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ के जरिए फाइल को शेयर करने के लिए, या वाईफाई के जरिए फाइल को शेयर करने के लिए। तो शेयरइट आपका खत्म हो गया, ये दो चीज़ हम यूज करते थे। यूसी ब्राउजर को तो बहुत पहले से ही बोला गया था यूज ना करें, क्योंकि ये बहुत सारे वायरस अटैम्प करने का सबसे अच्छा जरिया था। ये आपके फ़ोन में बहुत सारे वायरसेस आते थे यूसी ब्राउजर के जरिए, तो यूसी ब्राउजर को तो और बैन किया तो अच्छा किया। और मैं इसको मैं कब से बोल रहा था कि हाँ ये बैन करना ज़रूरी है। उसके बाद बाकी और भी है, ये आपका गेम है, ये भी आपका डाउनलोड है, क्लैश ऑफ किंग्स, ये आपका ड्यू बैटरी सेवर। हालांकि इसे कुछ होता नहीं था, ऐप ऐसे ही था। हेलो हेलो ऐप भी आपका ये टिकटॉक की तरह था, लाइकी भी टिकटॉक की तरह था, जो कि बंद कर दी गई है। एमआई कम्युनिटी, हाँ, जो लोग एमआई का फोन यूज कर रहा है, रेडमी एमआई का फोन यूज कर रहा है, तो आप लोग देख लीजिए कि आपके फोन में एमआई कम्युनिटी नाम का कोई ऐप तो है नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट आ जाता है। अगर है तो तुरंत उसको अनइंस्टॉल कर दें। सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एप्स ब्राउजर, रोमवी, क्लब फैक्ट्री, हाँ क्लब फैक्ट्री। और बहुत सारे लेडीज हैं जो क्लब फैक्ट्री से अपने कपड़े वगैरह मंगाते थे, तो क्लब फैक्ट्री भी बंद हो गया है। जी हाँ, क्लब फैक्ट्री भी बंद हो चुका है, ध्यान रखिएगा। न्यूज डॉग है, हालांकि इसमें तो यूजफुल नहीं होता था, बैटरी पल्स ये भी अननेसेसरी था। वी चैट, जी हाँ, वी चैट जो था व्हाट्सएप की तरह था, जो चाइना में बहुत ज़्यादा यूज होता था, और बहुत सारे लोग वी चैट भी यूज करते थे। तो वी चैट, क्योंकि मैंने भी वी चैट यूज करता था, तो मैंने भी कल रात को जैसे ही न्यूज़ सुना, हालांकि न्यूज़ सुनने का टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए मैंने सबसे पहले वी चैट को यहाँ से रिमूव कर दिया। जी हाँ, उसके बाद ये आपके पास यूसी न्यूज, क्यू मॉल, वो एक्सटेंडर, ये आपका शेयर्ड की तरह था, फाइल को एक एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को सेंड करने के लिए बहुत सारे लोग यूज करते थे। अगर यूज कर रहे हैं तो इसको आप डिलीट कर दें। पार्लर स्पेस, हाँ एक और आता है पार्लर स्पेस, ये भी बहुत सारे लोग यूज करते थे। इसका काम क्या था कि एक ही फोन में एक नाम के दो ऐप चला सकते थे। जैसे मान लीजिए आपको अपने पास दो नंबर है, दो व्हाट्सएप चलाना चाहते थे, तो पार्लर स्पेस के जरिए आप उसी की एक कॉपी बना लेते थे। ये भी डिलीट बहुत से लोगों के पास था, कभी मैंने भी यूज किया था, लेकिन मैंने डिलीट कर दिया। एमआई वीडियो कॉल, वही रेडमी की, अगर आपके पास फोन है तो आप जो है एमआई वीडियो कॉल को डिलीट कर दें। वाइवा वीडियो, ये भी डिलीट कर दीजिए, वीडियो एडिटर था, जिसका डीयू रिकॉर्डर था, वाइट हाइट था, कैच क्लीनर था, डी ऐप स्टूडियो है, डीयू क्लीनर है, डीयू ब्राउजर है, हगो प्ले है, हाँ हगो प्ले भी, इसको भी आप हटा दीजिए, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐड आता था तो अब यूज नहीं होगा। कैम स्कैनर है, कैम मास्टर है, ये भी आप हटा सकते हैं। वंडर कैमरा, फोटो वंडर, ओके। और एक चीज़, एक बात और जान लीजिए कि ये जो ऐप
जो बैन किए गए हैं, ब्लॉक किए गए हैं इंडिया में, ये ऐसा नहीं कि ये जो गलवान घाटी में जो हुआ है उसके बाद से ये हमारे जो जो भी एनएसए की टीम थी या जो भी से हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा, उन्होंने कई बार गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया था कि ये ऐप जो है डेटा लीक करने के मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब कि डेटा लीक कर देगा, या फिर सिक्योरिटी रीजन से बहुत ज़्यादा ये दिक्कत वाली है, क्योंकि इनके सारे के सर्वर जो हैं वो सर्वर पर कहाँ हैं, चाइना में। और दूसरी बात है कि इस डेटा जो हम टिकटॉक में कोई वीडियो अपलोड किया तो वो डायरेक्ट चाइना नहीं गया, कई कंट्री से घूमते हुए गए, क्योंकि इंटरनेट कंट्री से घूमते हुए जाता है, तो कई कंट्री से घूमते हुए गया तो कई कंट्री इसका यूज कर सकती है। दूसरी चीज है कि ये आपसे इतना ज़्यादा एक्सेस मांग लेते थे, अलाउ करवा देते हैं, जिससे आपके फ़ोन को किसी भी सिस्टम को यूज कर सकते थे। तो ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, और मैं जितने भी व्यूअर हैं उन सबको बोलता हूँ कि ये जो ऐप है अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो प्लीज़ इसको रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, और मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए माइक्रो, टैबलो की वीडियोस देखते रहें, और कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल करते रहें। थैंक यू।